गुड मॉर्निंग एवरी वन. वी आर कॉन्टिन्यूइंग आर पोएम यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. उसका काफ़ी हिस्सा हम लोग पहले कर चुके हैं पहले के वीडियोज़ में. इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द लाइन्स 24 to 32. ठीक है. यूलिसिस जैसे कि एक हम बैकग्राउंड आपको पता है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है. यूलिसिस जो है वो इथाका का राजा है. वो खुद ये सारी स्पीच दे रहा है. द मेजर थीम ऑफ द पोयम है कि भाई ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड आर्डेंट डिज़ायर ऑफ बींग अ ट्रैवलर अगेन एंड एडवेंचरर. है ना, वो बैठ करके एक मोनोटोनस रूटीन लाइफ नहीं जीना चाहता है. वो सारे के पूरी कंप्लीट पोयम के अंदर वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब अपना स्पीच कहता है. ही इज़ गिविंग मोनोलॉग इन विच ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज आर्डेंट डिज़ायर हिज वेरी मच हार्टली विश टू गो अगेन फॉर एडवेंचर्स अगेन टेक रिस्क इन द लाइफ एंड गो अहेड एंड नॉट जस्ट सिट आइडल बाई बींग इवन अ किंग. तो लाइन्स 24 से 32 के अंदर यूलिसिस क्या कहता है. लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थाट. अब यहाँ पर आप देखिए कि स्टार्टिंग में लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ एल कैपिटल से लिखा गया है. ये एक पहचान होती है मानवीकरण की पर्सोनिफिकेशन की फिगर ऑफ स्पीच. तो कहने का मतलब यहाँ पे लाइफ को जो है यूलिसिस वो पर्सोनिफाई करता है. एंड इन दीज लाइन्स यूलिसिस कंटिन्यूज टू टॉक अबाउट हिज डिज़ायर फॉर एडवेंचर. ही क्लेम्स दैट इवन मल्टीपल लाइफ टाइम्स वुड नॉट बी इनफ फॉर हिम टू डू ऑल द थिंग्स ही वॉन्ट्स. लाइफ इज पर्सोनिफाइड हियर एंड यूलिसिस सेज दैट इफ आई गेट मल्टीपल लाइफ टाइम्स दैट इज़ आई एम बॉर्न अगेन एंड अगेन but that condition also would not remain very much useful to me. ठीक है, यहाँ पे यूलिसिस कह रहा है life को personify करते हुए कि अगर मुझे बार बार जन्म लेने का मौका मिले, मुझे बार बार जन्म मिले, लाइफ मुझे बार बार अलॉट की जाए, इवन देन दैट इज़ दैट कंडीशन इज़ नॉट यूज़फुल टू मी. कि भाई ये जो जन्म मुझे मिला है इसमें तो मैं आराम कर लेता हूँ, बहुत मैंने युद्ध वगैरह कर लिया, अब मैं आराम से अपना राजपाट का काम करूँगा और इथाका में रहूँगा, अपना शासन करूँगा. फिर अगला जो जन्म मुझे मिलेगा उसमें मैं कुछ और एडवेंचर कर लूँगा, फिर नेक्स्ट जन्म में कुछ और एडवेंचर कर लूँगा. इस तरह की सोच जो है वो यूलिसिस की नहीं है. भाई जो टालने वाली सोच होती है ना प्रवृत्ति, काम को टालने की और वो सारी चीज़ें कि हाँ हम बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, उसको यहाँ पे ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है. ठीक है, आलस्य जिसको कहते हैं, जो ह्यूमन प्रवृत्ति होती है, एक ह्यूमन इमोशन नेचर होता है कि हाँ हम बाद में काम को टालने का बहाना करते हैं, तो उसको ये क्रिटिसाइज़ करते हुए कह रहा है कि अगर मुझे मल्टीपल काफ़ी सारे जीवन भी मिलेंगे, बार बार जीवन जीने का मौका भी मिलेगा, तब भी वो क्या है, फ्रूटफुल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मेरी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है, मेरी डिज़ायर्स इतनी है कि वो फ्रूटफुल नहीं होगी. यहाँ ये कह रहा है एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स एल आई डबल टी एल ई. अब ग्रामर में यू ऑल हैव स्टडीड कि भाई लिटिल अ लिटिल द लिटिल. लिटिल का मतलब क्या हुआ? नेग्लिजिबल, ज़ीरो, कुछ नहीं. ठीक है, अ लिटिल थोड़ा सा, द लिटिल सारा का सारा. तो यहाँ पे लिटिल मतलब नहीं, ज़रा भी नहीं. तो ये क्या कह इन लाइनों का मतलब क्या निकलता है? यूलिसिस जो ये कह रहा है कि जीवन मुझे बार बार भी मिले, मैं बार बार जन्म लूँ, बार बार जी सकूँ, ये मौका भी मुझे मिलेगा, लेकिन ये भी क्या है, मेरे लिए लिटिल है, ना है, ना के बराबर यूज़फुल रहेगा. क्यों? क्योंकि मेरी आकांक्षाएँ, इच्छाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इंसान को ऐसा होना भी चाहिए. मोटिव ऑफ द पोएम हियर इज़ कि भाई वो सामने जो उसकी ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, जो उसके सोल्जर्स हैं उसके पास, उनको वो क्या कह रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि हमको ये आलस्य में अपना जीवन नहीं जीना चाहिए, आगे पे काम नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है, इट विल बी ऑफ नो यूज़, इट विल बी यूजलेस. ही सेज दैट ही इज़ एन ओल्ड मैन, अ ग्रे स्पिरिट. ठीक है, ही इज़
near the end of his life and he wants to make the maximum possible use of what time is left. He says that if he saves each additional hour that he lives, or each hour that he saves from his life, from his death, brings him new experiences. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं बट एवरी आर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस. इटर्नल साइलेंस का मतलब साइलेंस, चुप्पी हो जाना, इटर्नल हमेशा के लिए, है ना. तो वो किसको, और इटर्नल साइलेंस, दिस वर्ड इज़ रेफरिंग टू व्हाट, डेथ. मेटाफर है, डेथ का प्रयोग ना करने की बजाय इटर्नल साइलेंस शब्द का कवि जो है वो प्रयोग कर रहा है. तो इटर्नल साइलेंस का मतलब यहाँ है डेथ को रिलेट करते हुए कह रहा है कि भाई मुझे बार बार जीवन जीने की, बार बार जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं है, और वो अगर पूरी भी होती है तब भी मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये कह रहे हैं कि भाई इसी जीवन में जो मेरे पास अभी मैं जी रहा हूँ, और जितना मेरे पास अभी समय बचा है, भाई वो तो बूढ़ा हो गया है, ठीक है. ये आगे बोलेगा ग्रे स्पिरिट का मतलब क्या, बूढ़ा हो जाना. तो कि दिस इज़ ऑल्सो मेटाफर. जब आप डायरेक्ट बूढ़ा ना कह के अलग वर्ड यूज़ कर रहे हो, उसको रेफ़र कर रहे हो, मीनिंग वो निकल रहा है, तो दिस इज़ मेटाफर. तो कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं जो जितना मेरे पास जीवन बचा है उसमें से मैं कुछ घंटे बचा लूँ, एक एक घंटा भी करके बचा लूँ, कुछ कुछ समय भी करके बचा लूँ, तो भी मैं, इट विल सर्व व्हाट, अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स. ब्रिंगर का मतलब क्या हुआ, इफ़ ही सेव्स, इफ यूलिसेस सेव्स ईच एंड एवरी आवर, है ना, कि जो जीवन उसको मिला हुआ है अभी, उसमें से ही वह थोड़ा थोड़ा समय भी बचा ले, एक एक घंटा भी करके बचा ले, तो वो क्या करेगा, ब्रिंगर का काम करेगा. ब्रिंगर मतलब लाना, कुछ लेकर के आने वाले को कहेंगे ना ब्रिंगर. तो वो जो समय जो वो बचाएगा वो ब्रिंगर का काम करेगा, और वो क्या लेके आएगा, इट विल ब्रिंग हिम मोर एक्सपीरियंसेस. जीवन जीने का, जीवन जीने के लिए जो अनुभव चाहिए, वो और ज़्यादा अनुभव क्या है भाई, उस समय में उसको मिलेगा, वो और ज़्यादा अनुभव लेकर के वो समय इसके लिए आएगा. एंड वाइल इट वर फॉर सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ. वाइल का मतलब VILE, यहाँ पे मतलब हो रहा है एक्सट्रीमली बैड. वाइल मीन्स एक्सट्रीमली बैड, और ये कह रहा है कि ये बहुत ही बुरा होगा मेरे लिए, ठीक है. अच्छा क्या होगा कि भाई मैं तो जो समय मुझे, जो जीवन मिला हुआ है, जो जितना समय मेरे पास बचा है, उसमें से ही मैं कुछ कुछ समय भी बचा लूँ, थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा करके भी बचा लूँ, और उसको यूज़फुल कामों में लगाऊँ, है ना, जो मैं करना चाहता हूँ, एडवेंचर, ट्रैवलिंग, जो भी चीज़ें हैं, सी जर्नीज़, वो मैं करूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. और मेरे को जीवन जीने के लिए नया क्या है, वो दुनिया भर के अनुभव जो अब तक मैंने नहीं किए हैं वो मुझे मिलेगा, ठीक है, वो अनुभव लेकर के वो आएगा. लेकिन वाइल इट वर, अब इसका अपोजिट में बात कर रहा है, वाइल मतलब वेरी बैड, इट विल सर्व वेरी बैड फॉर मी, कि अगर मैं फॉर सम थ्री सन्स, यहाँ पे थ्री सन्स का मतलब तीन दिन से नहीं है, यहाँ पे तीन सालों से है, ये अपने जीवन की बात कर रहा है कि भाई मैं ये सोचूं कि नहीं, मेरे पास तो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद मैं 3 साल ही और जी सकूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, बस रेस्ट करना चाहिए और अपना राजकाज का काम जो है वो करते रहना चाहिए, और अपने बेटे को सब सौंप करके ख़त्म हो जाना चाहिए. लेकिन नहीं, वो कह रहा है इट विल सर्व वेरी बैड टू मी, ये बहुत बुरा होगा कि अगर मैं ये सोचूं कि भाई 3 साल ही मेरे पास समय है. यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, क्रिस्टैनिटी को भी ये रेफ़र करता है, बिकॉज थ्री जो नंबर है वो बार बार क्रिस्टैनिटी में रिपीट होता है, तो ये बिब्लिकल वर्ड भी है यहाँ पे. तो थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, कि स्टोर एंड होल्ड का मतलब बस आम लोगों की तरह से जीवन जीऊँ, जो जीवन जीने के लिए जो चाहिए, बस पैसे इकट्ठा कर लिए, जो भी खाने पीने का सामान है वो इकट्ठा कर लिया, और उसको इकट्ठा करके बस रख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, इसी तरह का जीवन व्यतीत करता रहूं, तो ये बहुत ही बुरा है मेरे लिए, बहुत ही बुरा साबित होगा, ठीक है. तो ही अगेन बाद में वो क्या कहता है, ही देन गोज़ ऑन टू से दैट ही इज़ एन ओल्ड मैन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू फॉलो नॉलेज, travel the world and do adventure, but it will be very bad for him if he remains in Ithaca living this boring life for 3 more years. It will be like death and his desire is to be still alive. अब यहाँ पे जो फ्रेज है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले, कि भाई ये अगर ये यहीं रह जाता है और 3 साल और ऐसे सोचता है कि मैं यहीं पे नॉर्मल कॉमन मैन की तरह से होर्डिंग और स्टोरिंग का काम करूँ और वही मोनोटोनस बोरिंग लाइफ जीता रहूँ, तो ये मृत्यु के समान इसके लिए होगा.
फिर फ्रेज़ यूज़ कर रहा है, टू स्टोर एंड बोर्ड माई सेल्फ, है ना, टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ. तो इस फ्रेज़ का मीनिंग है लिविंग लाइफ जस्ट लाइक एनिमल्स, जस्ट बाई ईटिंग एंड कलेक्टिंग थिंग्स एंड स्लीपिंग. ठीक है, ही यहाँ पे ही कंपेयर्स हिज लाइफ टू लाइफ ऑफ कॉमन मैन कह लीजिए, या फिर एनिमलिस्टिक लाइफ, है ना, जो पशुओं समान जीवन है वो. तो ये यहाँ पे क्या है, मेटाफर का प्रयोग कर रहा है, टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है, एंड इट्स ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर. ग्रे स्पिरिट ही इज़ रेफरिंग टू हिमसेल्फ, इट इज़ मेटाफर. आई इनिशियली इन द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो आई टोल्ड यू कि ग्रे स्पिरिट का मतलब यहाँ पे ओल्ड मैन से है, जो कि ये अपने लिए प्रयोग कर रहा है. यर्निंग वेरी मच हैविंग, है ना, डिज़ायर, यर्निंग बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा होना, इन डिज़ायर कि बहुत इसकी इच्छा है, बहुत ही तीव्र इच्छा है. टू फॉलो, किस चीज़ की इच्छा, टू फॉलो नॉलेज, भाई नॉलेज को गेन करने की, ज्ञान प्राप्त करने की, ट्रैवल करने की, दुनिया को जानने की, है ना, रिस्क उठाने की, बहादुरी भरे काम करने की, सी जर्नीज करने की, यात्राओं पर जाने की, इसकी बहुत बड़ी इच्छा है. ये नॉलेज के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. लाइक अ सिंकिंग स्टार, सिमिली का प्रयोग किया है यहाँ पे. ठीक है, सिमिली का प्रयोग हो रहा है. अब यहाँ पे सिंकिंग स्टार जो है, कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों से. एक तो सिंकिंग स्टार का ये कंपैरिजन करता है खुद से, ठीक है, कि भाई ये क्योंकि बूढ़ा हो रहा है और सिंकिंग स्टार की तरह ये भी क्या करेगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा. और जैसे सिंकिंग स्टार टूटता हुआ तारा जो है वो लोगों को दिखाई तो देता है लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, तो उस प्रकार ये भी क्या है, ख़त्म हो जाएगा. ये लोग इसको देख तो सकेंगे, इसके बारे में जान तो सकेंगे, मगर इसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे. अतः जिसे कहते हैं ना अनएंडिंग, अथाह सागर ज्ञान का, वो ये प्राप्त करना चाहता है. बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, जो कि मानव की जो समझ है, मानव की जो सोच है, उससे कहीं ज़्यादा जा कर के परे है. ह्यूमन इतना, एक कॉमन आदमी जो है वो इतना ज्ञान प्राप्त करने का कभी सोच भी नहीं सकता है, वो उसकी सोच से परे है, उतना ये क्या है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है. एक तो हो गया सिमिली है ये सिंकिंग स्टार, मतलब कंपेयर कर रहा है, एक तो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, दैट ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड मूविंग टूवर्ड्स डेथ एंड ही वॉन्ट्स टू फॉलो नॉलेज बिफोर डेथ. भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, ये अभी तक इसने बहुत योद्धा रहा है, ये बहुत सारे महान काम इसने किए हैं और आगे भी ये काम क्या है, ये करते रहना चाहता है. लेकिन अब ये बूढ़ा हो गया है, लेकिन मृत्यु से पहले ये और भी उन चीज़ों को क्या है, कर लेना चाहता है, जो कि उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहता है विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह ट्रैवलिंग का माध्यम हो, सी जर्नीज़ का माध्यम हो, युद्ध करने का माध्यम हो, किसी भी माध्यम से पा लेना चाहता है. किस ज्ञान को, उस ज्ञान को जो कि कॉमन मैन, आम आदमी की सोच से बहुत परे है. दूसरा यहाँ पे नॉलेज का ये कंपैरिजन कर रहा है, सिमिली कैसे नॉलेज का कंपैरिजन कर रहा है टू सिंकिंग स्टार. ठीक है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि भाई सिंकिंग स्टार इज़ अ सिमिली, यहाँ पे जो पॉइंट है वो यूज़ करता है एंड इट इज़ इन द टू डायरेक्शंस. वन, जो हम पहले अभी बात कर चुके हैं, यूलिसिस स्वयं का अपना कंपैरिजन कर रहा है सिंकिंग स्टार से. ठीक है, सेकेंड नॉलेज, ज्ञान का कंपैरिजन कर रहा है सिंकिंग स्टार से और कहता है कि ही वॉन्ट्स टू चेज आफ्टर नॉलेज एंड ट्राई टू कैच इट एज इट सिंक्स लाइक अ स्टार विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमन थॉट. कि जिस प्रकार हम सिंकिंग स्टार को, टूटते हुए तारे को देख तो सकते हैं और हमको ऐसा लगता है भाई टूटते हुए कि वो हमारे पास आके गिर रहा है, हमारे हाथों में आके गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हम उसको नाप ही नहीं सकते हैं कि भाई वो कहाँ गया, है ना, कितनी हाइट पर ही ख़त्म हो गया या नीचे आके ख़त्म, ये हम नहीं, कोई भी मानव उसका नाप नहीं लगा सकता. तो उसी प्रकार जो अथाह सागर है ज्ञान का, उसका भी नाप हम नहीं लगा सकते हैं. लेकिन यूलिसिस ये चाह रखता है कि मैं कॉमन, मैं आम आदमी जो है वो तो भाई सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उस सिंकिंग स्टार रूपी ज्ञान तक पहुँचना चाहता हूँ अपनी मृत्यु से पहले. ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो यूलिसिस लाइफ का मानवीकरण करते हुए कहता है कि अगर उसे बार बार जन्म मिले तब भी वह कम है, क्योंकि उसकी इच्छा अनंत है नॉलेज गेन करने की. वह बस हर एक पल, एक एक पल, एक एक क्षण अपने बचे हुए जीवन से बचाना चाहता है और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है. फिर वह कहता है कि इस ढलते हुए उम्र के साथ अगर वह और 3 साल इथाका में रह गया, एग्जाम्पल के तौर पे वह अगर माने कि भी मैं 3 साल और ज़िंदा रहूँगा क्योंकि उम्र मेरी ज़्यादा हो गई है,
तो अगर वह 3 साल और इथाका में रह गया तो बस वह पशुता समान ही जीवन व्यतीत करेगा, कुछ अच्छा कुछ बहुत ही बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में वह कहता है कि जिस प्रकार टूटता हुआ तारा सबके पहुंच से परे होता है, तो वह भी टूटते हुए तारे के समान अनंत नॉलेज को, अनंत ज्ञान के सागर को पाना चाहता है जो एक आम मनुष्य की समझ से परे। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड स्टैंजा जो है यूलिसिस का। ठीक है, दिस इज़ द अब तक का ये कंपाइलेशन है टोटल। तो सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।